और मेरे चटोरों, कैसे हो आप? बम्बई मसाला टोस्ट बना रहे हैं, एकदम जोरदार बनता है, हर बाइट में अलग अलग टेस्ट। इसकी जो स्पेशल चटनी होती है ना, बॉडी वाली, वो भी बनाएंगे, और ब्रेड को भी वाटरप्रूफ करना है। तो चलिए बनाते हैं बम्बई मसाला टोस्ट या सैंडविच, एकदम क्रिस्पी और टेस्टी बनता है। वैसे हम सभी खाना बनाते हैं घर में, तो कढ़ाई में हल्दी और मसालों के दाग पड़ जाते हैं, तो उसको भी आसानी से साफ़ करेंगे एक्सपर्ट डिशवॉश बार के साथ। एक्सपर्ट बार में डबल एक्शन फार्मूला है, तो ये नॉर्मल हरी साबुन से ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। पहले सैंडविच का आलू मसाला बनाते हैं। तो मैंने ये कढ़ाई गरम करने रखी है, इसमें डालेंगे 1 बड़ा चम्मच तेल। तेल को गरम करने के बाद 1 चम्मच सरसों, सरसों को चटकाना है वरना वो फ्लेवर नहीं आएगा। ये मैंने 7-8 कड़ी पत्ते डाले हैं, और कूट के डाला है मैंने ये 4 लहसुन की कलियाँ, आधा इंच अदरक और 2 हरी मिर्च। इन सभी को अच्छी तरह सेकना है मीडियम फ्लेम पर। ये जो लहसुन है ना, उसको लाइट ब्राउन करना है, अगर कच्चा रह जाएगा तो फ्लेवर बहुत स्ट्रांग आता है। अभी मैं इसमें 3 बड़ा चम्मच के आसपास हरा धनिया भी डाल रहा हूँ काट कर, और हल्दी पाउडर है ये। इन दोनों को भी सेकेंगे 15-20 सेकेंड। अपना तड़का बन गया है, अब इसमें आलू डलेगा। तो ये 5 उबले हुए आलू है, इससे 6 बॉम्बे टोस्ट बन जाते हैं आराम से। बस मैश करके डाल रहा हूँ और इसको मिक्स करना स्टार्ट करेंगे। किलो नमक भी मैंने डाल दिया, और थोड़े बहुत आलू अगर मैश नहीं होते ना तो भी चलता है, अच्छा टेस्ट आएगा। 2 से 3 मिनट तक इसको लगातार चलाते हुए सेकना है, और फिर अपना ये आलू मसाला रेडी हो जाएगा। इसको आप ठंडा होने देना है। तो मैं इसको प्लेट में स्प्रेड कर दिया हूँ ताकि ये ठंडा हो जाए। तब तक जो ये स्पेशल चटनी होती है ना बॉडी वाली, उसको बनाते हैं। ये मैंने मिक्सी ली है, मिक्सी में 2 कप जितना हरा धनिया है, आपने देखा ही ये क्वांटिटी, 15 से 20 पुदीना के पत्ते, 5 से 6 लहसुन की कलियाँ, 4 हरी मिर्च, और चटनी की बॉडी हम लोग बनाएंगे नारियल से। नारियल से फ्लेवर भी इसका स्मूथ हो जाता है, सटल हो जाता है थोड़ा सा। तो ये 3 बड़ा चम्मच मतलब 3 टेबलस्पून मैंने इसमें ऐड किया है डेसिकेटेड कोकोनट। नमक भी डाल दिया टेस्ट हिसाब से, 1 चम्मच नींबू का जूस, और पानी डालकर इसकी चटनी बनाएंगे। मीडियम थिक बनानी है चटनी, लेकिन ग्राइंड अच्छी तरह करना है। आप देख सकते हो ऐसी पीसी होनी चाहिए, स्मूथ है लेकिन थिक है चटनी। अब इसको एक बोल में निकाल लेता हूँ, ये वैसे 10-15 मिनट बाद थोड़ी और थिक हो जाती है। आलू का मसाला और चटनी का जुगाड़ तो हो गया। सैंडविच में साथ में डलेगी खीरा के स्लाइसेस, टमाटर के स्लाइस, थोड़ी बहुत शिमला मिर्च और बीटरूट। ये बीटरूट मैंने उबाल कर लिया है थोड़ा सा, ये सभी के पतले पतले स्लाइसेस काट लिए, और आलू भी अपना चिल कर लिया है दोस्तों। इसमें बस थोड़ा सा नींबू का रस डालना है, लेमन जूस, और इसको मिक्स करेंगे। अपना आलू मसाला भी कंप्लीट हो गया है, अब सैंडविच बनाते हैं। तो अभी मैं 2 टोस्ट बनाने के लिए 4 सैंडविच ब्रेड के स्लाइस ले रहा हूँ। इसमें सॉफ्ट बटर लगाएंगे एक तरफ। बटर लगाने का एक बहुत बड़ा रीज़न तो ये है कि बटर वाटरप्रूफ कर देता है ब्रेड को। जो चटनी हम लोग लगाएंगे ना, उससे सैंडविच अपनी सॉगी नहीं होगी, क्रिस्पी बनेगी और रहेगी दोस्तों अपनी टोस्ट। और मक्खन लगाने के बाद हम लोग इसमें चटनी लगाएंगे। चटनी के लेयर आप जितने शौकीन हो उतनी लगा सकते हो, इवन लेयर मैंने लगा दी, अभी से ये यम्मी लग रहा है ना। अब ऊपर मैं चीज़ क्यूब डाल रहा हूँ, इसको ग्रेट कर रहा हूँ। 1 टोस्ट के लिए 1 चीज़ क्यूब लिया है मैंने, आप चाहो तो इसमें 1 चीज़ स्लाइस भी ऐड कर सकते हो। थोड़ा बहुत ये चीज़ को भी फैला दिया इवनली। एक आलू का गोला बनाता हूँ मीडियम साइज़ का, जैसा टिक्की के लिए लेते हैं ना, और टिक्की जैसे ही इसको फ्लैट करना है और चीज़ के ऊपर रख देंगे। आलू को चारों कोनों में नहीं भेजना है, सेंटर सेंटर में ही राउंड बनाकर रखेंगे ऐसे। ये आलू की टिक्की के ऊपर खीरा के स्लाइसेस रखने हैं खुल कर, और टेस्ट बढ़ाने के लिए यहाँ पर चाट मसाला ऐड करिएगा नमक के साथ, वरना आप ऐसे भी कर सकते हो, एक शॉर्टकट वाला सैंडविच मसाला बना सकते हैं। मैंने भी वही किया है। एक पैन गरम करके 2 चम्मच जीरा लिया था, 1 चम्मच सौंफ और 1/2 चम्मच काली मिर्च। इन तीनों मसालों को रोस्ट कर लिया 3 मिनट के आसपास, ठंडा कर फिर एक मिक्सी के जार में मैंने ये 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर लिया है, 2 चम्मच चाट मसाला और 1 चम्मच नमक। इसी के साथ में अपने खड़े मसाले डाल दिए, और इन सभी को ग्राइंड करना है। यह अपना शॉर्टकट वाला सैंडविच मसाला बन गया। एक्स्ट्रा टेस्ट आता है दोस्तों इससे। पहले हम लोग खीरा के ऊपर डालेंगे ये मसाला, फिर 2 पीस टमाटर के स्लाइस लगाने हैं, थोड़ी बहुत शिमला मिर्च,
और दो बीट रूट के स्लाइस बिल्कुल ऐसे। अपनी सैंडविच सज गई है, एकदम मस्त लग रही है। ऊपर से खुल के मसाला डालेंगे। हम लोग ने अभी 2 बार मसाला डाला है तो इसका टेस्ट एकदम बढ़िया आता है। नमक की क्वांटिटी भी सही रहती है बिल्कुल। कवर कर देंगे दूसरे ब्रेड से और हल्का सा बटर लगाना है ऊपर। ज़्यादा मत लगाइएगा दोस्तों, अगर ज़्यादा बटर लगाएंगे तो ब्रेड क्रिस्पी नहीं बनेगी। आप बिना बटर लगाए भी बना सकते हो, सैंडविच बहुत ज़्यादा ही क्रिस्पी और क्रंची बनती है। चलो गैस चालू करते हैं। ये मैंने गैस टोस्टर लिया है, इसमें क्या बनती है यार सैंडविच, A1 एकदम। इसको थोड़ा सा हीट करेंगे और फिर बटर लगाना है नीचे की तरफ, ज़्यादा नहीं एकदम हल्का सा, और ब्रेड को सेट करना है। नीचे की तरफ मैंने बटर लगा दिया, ऊपर की तरफ ब्रेड में ही लगा दिया था, तो अब इसको कवर करते हैं। आज ब्रेड थोड़ी सी बड़ी है, वैसे इसमें हमेशा सही बनती है, तो दो तरफ से ये निकल गए, इसको हटा रहा हूँ। अब इसको सेकेंगे लो या मीडियम फ्लेम पर गोल्डन ब्राउन होने तक। 1 से 1.5 मिनट लगती है दोस्तों। हाई फ्लेम मत रखिएगा, हाई फ्लेम पे चीज़ भी मेल्ट नहीं होती है, ऊपर से अंदर तक हीट नहीं जाती है, तो मज़ा नहीं आता, ब्रेड भी क्रिस्पी नहीं बनती है, जल्दी से सॉफ्ट हो जाती है। तो 1 से 1.5 मिनट बाद इसको पलटना है ऐसे, और पलटने के बाद भी वापस ब्राउन करना है। चेक करते हैं, अरे क्या कलर आया है, आंखें तरोताज़ा हो गई यार। सेम ऐसे ही मैं दूसरी वाली भी सेक लेता हूँ। वैसे ये टोस्टर नॉन स्टिक है तो ज़्यादा बटर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जबकि ज़्यादा बटर लगाते हैं तो सैंडविच क्रिस्पी नहीं बनती, थोड़ी सी सॉगी लगती है। दूसरी वाली भी सेक लिया हूँ, अब चलो सर्व करते हैं। तो मैं इसको प्लेट में रख रहा हूँ। क्रिस्पीनेस देखिए आप, क्या बनी है यार। कोने से तो और ज़्यादा क्रंची बनती है। अब इसको कट करते हैं। ये मैं 4 पीस में कट कर रहा हूं। अरे अंदर का लुक देखिए, मजेदार है ना। वो बोलते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। देखने के लिए नहीं, खाने के लिए बोल रहा हूं। जो ऊपर की लेयर है ना सैंडविच की, उसको और ज्यादा चटपटा और जोरदार बनाते हैं। पहले तो बटर लगाना है इसमें थोड़ा सा। बटर के ऊपर हम लोग हरी चटनी लगा देंगे, ज़्यादा नहीं लगाना, एकदम हल्का हल्का। और चीज़ डाल रहा हूँ मैं थोड़ी सी ग्रेट कर कर, साथ में सेव। ये 4 चीज़ लगाने से फर्स्ट में खाते साथ उसी चीज़ का टेस्ट आता है और मज़ा आ जाता है। स्पेशल रेसिपी है यार, आप ये ट्राई ज़रूर से करना। सर्व करिए हरी चटनी और लाल चटनी के साथ। प्रोसेस तो सेम ही है टोस्ट बनाने का, आप चाहो तो इसमें चीज़ को स्किप कर सकते हो, टेस्ट और ज़्यादा ज़ोरदार आएगा। चीज़ है ना, टेस्ट को थोड़ा सटल कर देता है, तीखापन कम कर देता है, स्मूथ कर देता है। और चाहो तो दोनों ब्रेड स्लाइसेस में भी आलू का मसाला लगा सकते हैं। ये मेरी दूसरी बैच भी रेडी है, मस्त लग रहा है ना। चलो दोस्तों, टोस्ट तो बन गया और मज़ा भी आ गया। आप हालत देख सकते हो कढ़ाई की। आज मेरे पास एक्सपर्ट है, जो सही में एक्सपर्ट है जले भुने मसाले और हल्दी के दाग के लिए। ये एक्सपर्ट का मंथली पैक है, 40 रुपये का आता है। इसमें आपको 3 एक्सपर्ट के बार्स मिलेंगे, उसके साथ 2 ग्रीन स्क्रबर और 1 स्टील स्क्रबर। पूरे महीने का कंप्लीट पैकेज है। तो चलो ग्रीन स्क्रबर को ओपन कर कर गीला करते हैं और एक्सपर्ट बार में रब करेंगे। यहाँ से बस कढ़ाई को साफ करना है। ये साबुन 50% कम गलती है, मतलब नॉर्मल अपनी हरी साबुन से आधी गलती है। और जैसे मैंने बताया था, डबल एक्शन फार्मूला से दाग फटाफट साफ हो जाते हैं। अब बस पानी से रिंस करना है। हो गया ना चकाचक। तो कैसी लगी दोस्तों अपनी बॉम्बे मसाला टोस्ट की रेसिपी? वैसे मैंने ये पहले बनाई थी इंग्लिश चैनल में, लेकिन थोड़ा तरीका अलग है, टेस्ट और ज़्यादा अच्छा आता है। ट्राई ज़रूर से करिए और बताइए कैसा लगा। मिलता हूँ जल्द एक और रेसिपी के साथ। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।